आईपीएल का 3400 मैच चेन्नई और लखनऊ के बीच खेला गया। इस मैच में लखनऊ टीम ने टॉस जीतकर चेन्नई को पहले बैटिंग करने के लिए बुलाया। चेन्नई की ओर से अजिंक्य रहाणे और अश्विन रविंद्र ने पारी शुरुआत करी। अजिंक्य रहाणे ने इस मैच में 24 बॉलों में 36 रन की पारी खेली। इसके साथ साथ ही मिडिल ऑर्डर में जडेजा ने 40 बॉलों में 57 रन की पारी खेली। लेकिन इस मैच में सबसे अहम भूमिका निभाई एमएस धोनी ने। धोनी की पारी एक बार फिर से देखने लायक रही। धोनी ने 9 बॉलों में 28 रन बनाए जिसमें दो लंबे छक्के शामिल थे। आईपीएल 2024 में धोनी सभी मैचों में कमाल का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। धोनी की इसी पारी के चलते चेन्नई टीम ने 20 ओवर में 100 रन बनाए। लखनऊ के लिए कुणाल पांड्या ने 3 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। आगे के मैच के बारे में बात करूं उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल पर आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से ही आईपीएल के पूरे मैच की जानकारी मिल सकती है और आपको सभी आईपीएल मैचों की जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही मिलेगी। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो अभी जाकर के हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो जिससे कि आपको आईपीएल के सभी मैचों की जानकारी सबसे पहले मिल सके। 117 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए लखनऊ टीम की ओर से क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल ने पारी की शुरुआत करी। दोनों ने बहुत ही जबरदस्त शुरुआत करी और शुरुआत में चेन्नई को अपना विकेट नहीं दिया। क्विंटन डिकॉक ने इस मैच में 43 बॉलों में 54 रन की पारी खेली। इसके साथ ही कप्तान केएल राहुल ने 53 बॉलों में 22 रन की पारी खेली जिसमें 3 छक्के शामिल थे। केएल राहुल की इसी पारी के चलते उन्हें इस मैच से मैन ऑफ द मैच चुना गया और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 134 रन की साझेदारी हुई जिससे मैच को एक तरफा कर दिया और यह मैच लखनऊ टीम ने 19 ओवर में अपना नाम कर लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब अगर आगे इसी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक कर दें।